नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए टीजीटी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं 2020 के, इससे जो दूसरा हमारा ये टॉपिक है, इसमें इसके पहले मैंने आपको बताया था आहार एवं पोषण में भोजन क्या है और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इस पर चर्चा किए थे। आज ही मेरी दूसरी वीडियो इससे संबंधित, इसमें मैं आपको बताऊंगी भोजन के क्या कार्य हैं और कितने भोज्य समूह होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, भोजन के कार्य और भोज्य समूह, सबसे पहले देखते हैं हम, एक क्वेश्चन आता है कि हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं। देखिए, हम जीने के लिए जो है भोजन करते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं, क्योंकि जब हम भोजन करेंगे तो हमारी, कह सकते हैं, ये हमारे लिए एक आगे की तरफ जाने का एक माध्यम होता है। और धीरे धीरे हम भोजन को नहीं करते हैं तो हमारा क्या है, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारे शारीरिक रूप से काम, मानसिक रूप से काम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए है कि हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। तो हम किसके लिए खाने, हम जीने के लिए खाते हैं। अब देखिए, इसमें है भोजन के कार्य। देखिए, मुख्य रूप से जो भोजन के कार्य होते हैं वो तीन होते हैं, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। अब देखिए, जो शारीरिक काम है, आपको पता ही है, हमारे शरीर की वृद्धि विकास करता है, निर्माण करने का काम, मरम्मत करने का काम, और जो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग के जो विभिन्न कार्य के कार्य होते हैं, श्वसन का काम, पाचन का काम, हृदय का धड़कना, किडनी के फिल्टर करने का काम, यानी जितने भी काम होते हैं, आंतरिक काम और जो बाह्य कार्य होते हैं, इन सबको कामों को करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है हमारा सामाजिक काम। तो आपको पता चल गया होगा, शारीरिक कार्य का मतलब है हमारी बॉडी के जितने फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन को करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भोजन के ही द्वारा हमें पोषक तत्वों की ही प्राप्ति होती है। जो सामाजिक कार्य होता है, देखिए सामाजिक में क्या होता है कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो सामाजिक संबंध होता है वो भोजन से जुड़ा होता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन होते रहते हैं, तीज त्योहार पड़ते रहते हैं, हम भोजन के लिए क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को या हमारे जो फ्रेंड सर्किल है या हमारे जो समाज में सर्किल जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं, भोजन पर इनवाइट करते हैं। अतिथि को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, या ऐसे भी जो हम जिससे जुड़े हुए हैं, हम भोजन पर इनवाइट करते हैं, विभिन्न प्रकार के फंक्शन रखते हैं। तो क्या है, ये जैसे सामाजिक संबंध को जोड़ने का काम हमारा भोजन करता है। और देखा जाए कि ये आर्थिक स्थिति का भी प्रतीक होता है। कैसे, क्योंकि देखिए, जो उच्च वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है अपनी आवश्यकता के अनुरूप, अपने आवश्यकता अनुरूप का मतलब जितनी उनकी स्टैंडर्ड, जितना उनका स्तर होता है, उसी की अनुरूप जो है भोजन की व्यवस्था करते हैं। उच्च वर्ग की जो भोजन की व्यवस्था होती है अलग होती है, जबकि जो निम्न वर्ग की व्यवस्था होती है वो अलग होती है। निम्न वर्ग में क्या है, उनके पास जितनी क्षमता है, जितना है कि उसी के अनुसार सब्जियों का, जितने मतलब जितने भी व्यंजन होते हैं उसके अनुसार व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो उच्च वर्ग के होते हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति, कह सकते हैं कि एक तरीके से लेवल, स्टैंडर्ड लेवल होता है, जो बेमौसम की सब्जियां, बेमौसम की चीजें होती हैं वो भी उसमें ऐड होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आर्थिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। और ये अतिथि के सत्कार के लिए भी हमें प्रकार के व्यंजन को क्या करते हैं, परोसते हैं, और इससे एक तरीके से आत्मीय लगाव भी हो जाता है। यानी हमारा इस भोजन हमारे सामाजिक कार्यों, यानी हमारे सामाजिक संबंधों को जोड़ने का भी काम करता है। अब आता है मनोवैज्ञानिक कार्य। अब देखिए, जो मनोवैज्ञानिक क्या है, मनोवैज्ञानिक हमारे मन पर भी इसका असर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर इसका असर पड़ता है, हमारे व्यवहारों पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि हमारे ये संवेगों को व्यक्त करने का माध्यम होता है। देखिए, यदि हम कहीं भी भोजन करते हैं उतना अच्छा हमें भोजन नहीं लगता जितना हमें अपने घर का भोजन अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर आप भोजन के साथ साथ आपको प्यार परोसा जाता है, आनंद होता है, वहां पर एक दूसरे से संबंध जुड़े होते हैं। तो यानी वहां पर क्या है, भोजन के साथ साथ आपको प्यार मिलता है, लगाव मिलता है। तो इस तरह से क्या है, हमारा भोजन, वो भोजन एक तरीके से हम आत्मीय रूप से, संवेगात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए हमें बाहर से ज्यादा हमें घर का खाना पसंद होता है। और इसके साथ साथ हमें सुरक्षा का भी अभाव, सुरक्षा को भी व्यक्त करने का काम करता है, क्योंकि देखिए, जो माँ के द्वारा भोजन होता है उसमें प्यार के साथ सुरक्षा भी होती है, और कि हमारी कि क्या हमें जरूरत है, कितना हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कितना क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रख करके भोजन को बनाया जाता है। आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके भोजन को पकाया जाता है, जो है उसी के अनुरूप जो है भोजन को सर्व किया जाता है। और बल, देखिए बल भी एक तरीके से मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। देखिए,
यदि युद्ध को जीतना है तो इसमें कहा जाता है कि युद्ध में जीतना हो तो जो हमारे शत्रु हो उनको जो है आर्थिक, उनको जो है कह सकते हैं जो शारीरिक रूप से उनको कमजोर कर दिया जाए। तो शारीरिक रूप से कमजोर कैसे करेंगे, जब हम भोजन नहीं देंगे उनको, तो जब शारीरिक रूप से उनको कमजोर कर देंगे, भोजन नहीं देंगे काफी दिन तक, तो क्या उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, तो उसमें क्या है आसानी से हम जीत सकते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक असर होता है। तो मुख्य रूप से काम जो होते हैं शारीरिक होते हैं, सामाजिक होते हैं और मनोवैज्ञानिक होते हैं। अब देखिए आते हैं पोषक तत्व पर। अब देखिए हमारे मुख्य रूप से हमने आपको बताया था पोषक तत्व हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशेदार पदार्थ। ये हमारे रेशेदार पदार्थ इस तरह से ऐड नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए भी हमारे न्यूट्रिएंट्स में ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को में तो एनर्जी तो नहीं देता, कोई काम तो नहीं करता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका अहम रोल होता है कि आंतों को साफ रखने का काम करता है, हमारी आंतों को स्वस्थ रखने का काम करता है। कौन? रेशेदार पदार्थ। अब देखिए हमारा जो कार्बोज है, कार्बोज क्या है, ये ऊर्जा देने का काम। देखिए यहाँ पर हमने मुख्य काम लिखा है और अतिरिक्त कार्य लिखा है। अतिरिक्त का मतलब ये तो अपना काम करते ही हैं, साथ में एक एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। जैसे हम लोगों का जो ड्यूटी होती है उसे करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसको भी करना पड़ जाता है एक्स्ट्रा के रूप में। वैसे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मुख्य काम तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी काम करने के लिए सक्षम होते हैं, एक्स्ट्रा भी काम करने में सहयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बोज है क्या करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं और इसके साथ साथ ये शरीर के निर्माण में भी और मरम्मत में भी काम करते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, कभी कभी हम जो है कार्बोहाइड्रेट की चीजें नहीं लेते हैं तो कभी कभी हमारे जो घाव होते हैं वो क्या होते हैं, घाव पर भी उसका असर पड़ता है। और ये कह सकते हैं हमारे निर्माण, अगर हम एनर्जी नहीं लेंगे अपनी पूरी तरीके से, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये हमें निर्माण काम में भी अवरुद्ध करने का काम करते हैं। अब देखिए प्रोटीन, प्रोटीन अपना निर्माण काम करता है, तो पता ही बॉडी बिल्डिंग इसी को कहते हैं प्रोटीन को ही, क्योंकि निर्माणात्मक तत्व होता है। एक अगर आता है क्वेश्चन आपका निर्माणात्मक तत्व किसे कहते हैं, तो आप जानते रहिएगा प्रोटीन को ही निर्माणात्मक तत्व कहते हैं। और ये मरम्मत का भी काम, निर्माण का काम और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, लेकिन एक्स्ट्रा काम में क्या भी याद रखना कि ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है या किसी कारणवश हम नहीं ले पा रहे हैं तो यही हमारा प्रोटीन है, उस समय करंट में वो ऊर्जा देने का काम करने लगेगा, वो अपना निर्माण, मरम्मत और सुरक्षा के काम को छोड़ करके। अब आता है हमारा वसा। वसा भी क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से मिलती है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे देर तक पचने वाला कौन सा तत्व, हमारा वसा है। सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला हमारा वसा है, लेकिन ये तुरंत नहीं देता है, ये पचने के बाद हमें ऊर्जा देता है, ये भी याद रखना। और ये शरीर के निर्माण में भी सहायक होता है और सुरक्षा भी करता है, कोमल अंगों की हमारे रक्षा करने का काम भी वसा करता है। एक ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये भी याद रखना। एक ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब आता है खनिज लवण, जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करता है, नियमन, नियंत्रण रखने का काम करता है, बैलेंस रखने का काम करता है, साथ में सुरक्षा करने का काम, मरम्मत करने में भी काम में ये हेल्प करता है। तो अगर सुरक्षात्मक तत्व में आ जाए, नियमन नियंत्रण करने के काम में आ जाए, तो हमारा क्या होता है, मुख्य रूप से खनिज होता है। और विटामिन भी हमारे रक्षात्मक तत्व में आते हैं, ये दोनों खनिज लवण और विटामिन रक्षात्मक, नियमन नियंत्रण करने में काम करते हैं। अब देखिए विटामिन, विटामिन रक्षात्मक, नियमन नियंत्रण वही आपका काम कर रहा है, निर्माण और मरम्मत में भी ये हेल्प करता है। अब देखिए जल क्या करता है, जल हमारे शारीरिक क्रियाओं का नियमन करता है, अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन रखना और शरीर में कोई चीज अधिक ना होने पाए ना कम होने पाए, इन सब पे बैलेंस करने का काम करता है। क्योंकि कोई चीज अधिक होती है तो मल के मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का काम, पसीने के माध्यम से बाहर निकालने का काम जल हमारा करता है। तो इसीलिए शारीरिक क्रियाओं का नियमन करने का काम हमारा जल करता है, और इसके साथ साथ ये निर्माण और मरम्मत के काम में भी ये हेल्प करता है। तो ये हमारे हो गए क्या, पोषक तत्व, और पोषक तत्व के क्या क्या कार्य है। देखिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिया है,
ये तीन पॉइंट को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको आगे आपके जो न्यूट्रिशन के जितने पॉइंट होते हैं आपको समझने में आसान हो जाएंगे, क्योंकि मैं एकदम पूरा शुरू से ही बेस चल रही हूँ, क्योंकि सारी वीडियो मेरी डिलीट हो चुकी है इसीलिए मैं पूरी शुरू से कर रही हूँ जिससे आपको सारी टॉपिक समझ में आता जाए। और प्लीज आप इसको पूरा देखेंगे, जब तक आप चीजें देखेंगे नहीं तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में लिखती हूँ और समझाने की इसमें कोशिश करती हूँ। तो प्लीज आप सुना करिए, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिया बस उससे ज्यादा नहीं है, आप बंद किया और उसके आपने उसको पॉइंट पॉइंट उतार लिया, ऐसा नहीं, लेकिन आप इसको पूरा जरूर देखा करिए। अब देखिए यहाँ पर स्रोत मैंने लिखा, यहाँ पर हमने रेशेदार पदार्थ नहीं लिखा, मैंने अभी आपको बता दिया रेशेदार पदार्थ हमारे आंत को स्वस्थ रखने का काम, साफ रखने का काम करता है, ये हमें न तो एनर्जी देता है न तो प्रोटीन, नहीं हमें कोई शरीर कोई अंग मुख्य रूप से काम नहीं करता है, लेकिन ये हमारे क्या करता है, हमारे आंत को साफ रखने का काम करता है। अब देखिए जो हमारे ये मिनरल्स सॉरी जो हमारे ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से कैसे मिलते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन दो स्रोत होते हैं प्रोटीन के, क्या क्या, एक जंतु जगत और एक वनस्पति जगत। जंतु मतलब जो जंतुओं से मिलने वाले होते हैं, जैसे दूध मांस मछली अंडा, ये हमारे क्या है, ये हमारे जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं। और वनस्पति में हमारे क्या होते हैं, दाल, जितने प्रकार की दालें हैं, सोयाबीन है, ये क्या है मुख्य रूप से मूंगफली है, ये हमारे क्या है, ये वनस्पति से प्राप्त होने वाले क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो जंतु जगत और वनस्पति जगत, तो जंतु मतलब जीव जंतु, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होने वाले तत्व। अब आता है कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं, एक स्टार्च के रूप में एक शर्करा के रूप में। स्टार्च के रूप में क्या होते हैं, स्टार्च में हमारे होते हैं जैसे हमारे जितने अनाज होते हैं, दाल, दाल में मुख्य रूप से तो कम ही मिलता है हमारे, चावल गेहूं और रागी बाजरा, ये मुख्य रूप से इसमें क्या है, स्टार्च के कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से स्रोत होते हैं। लेकिन जो शर्करा होता है, ये हमारे जो गुड़ और चीनी होती है वो मुख्य रूप से शर्करा का स्रोत होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत शर्करा के रूप में गुड़ और शक्कर आते हैं और गुड़ और चीनी आते हैं, और जबकि स्टार्च में हमारे जितने प्रकार के अनाजे होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आता है वसा, वसा भी देखिए मुख्य रूप से इसके दो स्रोत होते हैं, जंतु जगत और वनस्पति जगत। जंतु जगत में क्या आते हैं, देखिए हमारे जो वसा के साधन होते हैं ये भी हमारे घी, जो हमारे वनस्पति जगत में, देखिए जंतु जगत में हमारे घी होते हैं क्योंकि हमें घी कहाँ से मिलता है, गाय और भैंस के दूध से हम जो है घी मक्खन प्राप्त करते हैं उससे घी बनाते हैं, तो ये हमारे जंतु जगत में है। इसके साथ साथ अंडे में भी जो है फैट पाए जाते हैं और गाय और भैंस के दूध में भी वही घी के रूप में प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब जो जीव जंतुओं से हमें फैट के रूप में प्राप्त होता है वो जंतु जगत से होता है। अब वनस्पति जगत में देखिए हमारे सोयाबीन का तेल और इसके साथ साथ सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, ये जितने इस तरह से यानी जो हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो वनस्पति जगत से आते हैं, ये हमारे क्या हुए, वसा से प्राप्त होने वाले तत्व। अब आते हैं विटामिन, विटामिन से जो है मुख्य रूप से फल और सब्जियां, यानी विटामिन क्या है, सुरक्षात्मक तत्व होते हैं, इनसे हमें एनर्जी बहुत ही न्यून मात्रा में ना के बराबर मिलता है, लेकिन ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम, नियमन और नियंत्रण रखने का काम करते हैं। इसमें जितने प्रकार के खट्टे फलों मीठे फलों सारे फलों में हमें विटामिन मिलते हैं, सब्जियां हैं उसमें भी हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। अब खनिज लवण में मुख्य रूप से हमारी जितने प्रकार की सब्जियां हैं, सूखी सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, जितने प्रकार की सब्जियां हमारे खनिज लवण की प्राप्ति के स्रोत है, और आयरन के भी स्रोत, यानी हमारे खनिज भी आयरन मिलता है तो उसके भी स्रोत हमारे क्या है, सब्जियां। अब जल होता है, जल हमारे विभिन्न प्रकार के हम फल को खा करके लेते हैं, जल वैसे जो पीते हैं उसके द्वारा भी हमें प्राप्ति हो जाती है, तो ये हमारे क्या है, ये स्रोत होते हैं कहाँ कहाँ से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति, इन पोषक तत्वों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हमें होती है। अब देखिए आते हैं कि हमारे आधारभूत भोज्य समूह, देखिए वैसे कई प्रकार के भोज्य समूह बनाया गया है, एक 5 प्रकार का भोज्य समूह, एक 7 प्रकार का भोज्य समूह और एक 11 प्रकार का भोज्य समूह। देखिए जो 5 प्रकार का भोज्य समूह है वो ICMR के द्वारा दिया गया है, और जो भोज्य समूह 11 प्रकार के जो समूह है उसको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के द्वारा इसको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरी को थोड़ा अलग कर दिया गया, लगभग चीजें सेम है, जैसे अभी मैं इसको यहाँ पर समझा दूंगी। देखिए अनाज, अब देखिए जो हमारा अनाज है, अनाज से हमें क्या, देखिए भोज्य समूह है और ये उपस्थित पौष्टिक तत्व है। अब देखिए जो भोज्य समूह है अनाज, अनाज हमें क्या कहाँ से मिलते हैं, चावल गेहूं मक्का जौ बाजरा रागी, ये क्या है,
इन चीजों को हम लेते हैं तो हमें अनाज की प्राप्ति होती है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इसमें क्या क्या पौष्टिक तत्व मिलते हैं यदि इनको हम सेवन करते हैं तो देखिए यहाँ पर कार्बोज, प्रोटीन और अदृश्य वसा। देखिए अदृश्य वसा किसे कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते लेकिन उसमें उपस्थित रहते हैं। जैसे हमारी जो मूंगफली खाते हैं, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, इसमें अदृश्य रूप में वसा रहती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। और ये क्या है, इसी को अदृश्य वसा कहते हैं। B1, B2 और रफेज मतलब रेशेदार रेशे इससे प्राप्त होते हैं। लौह तत्व यानी आयरन मिलता है, यानी इन चीजों का सेवन करने से हमें इन इन चीजों की प्राप्ति, इन पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। अब आता है दालें। दालों को खाने से हमें जितने प्रकार की दालें हैं, अरहर की, मटर, मसूर, उड़द, चना, इन जितने प्रकार की दालें हैं इस कैटेगरी में आएंगी। और इनको खाने से हमें प्रोटीन, कार्बोज, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की प्राप्ति होती है। अब आता है हमारा दूध और मांस। देखिए दूध और मांस को इस कैटेगरी में एक कर दिया गया है, लेकिन अभी आप समूह 11 में देखेंगे तो अंडे को अलग कर दिया, मांस को अलग कर दिया और इसके साथ साथ जो अदर कैटेगरी होती है उसकी तो अलग कर दिया, यानी अंडा, मांस और दूध तीनों की कैटेगरी को अलग कर दिए हैं। तो वही चीज है, अब जैसे यहाँ पर है इसमें शक्कर और गुड़ की कैटेगरी यहाँ पे नहीं रखा गया, चीनी और गुड़ की, इसमें जो है गुड़ और शक्कर की अलग कैटेगरी रख दी गई है। तो कहने का मतलब इनकी कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, इसलिए 11 बन गया। वैसे मुख्य रूप से जो जाना जाता है वो 5 ही समूह का जाना जाता है। तो देखिए अब दूध और मांस में क्या मिलता है, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन B12, वसा, कैल्शियम और प्रोटीन। क्या है, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, B12, BA, विटामिन बी, विटामिन ए, इनकी प्राप्ति होती है दूध और मांस, अंडा, मछली, इनको खाने के से। अब आता है फल और सब्जियां। अब देखिए फल हमारे जितने खट्टे रसीले फल होते हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और सब्जियों में देखिए सब्जियां कई प्रकार की इसमें हैं, जैसे जड़ वाली सब्जियां सूखी, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, ये हमारे सूखे में आ जाते हैं। और हरी सब्जियां अलग कैटेगरी हो गई, जड़ वाली सब्जियों की अलग कैटेगरी हो गई। तो कहने का मतलब इन सबसे हमें क्या मिलता है, कैरोटीन, विटामिन ए और सी, रेशेदार रेशे यानी रफेज प्राप्त होते हैं, खनिज में लोहा, कैल्शियम प्राप्त होते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, एसिड, विटामिन B2, विटामिन BC, सेलुलोज और कैरोटीन की प्राप्ति होती है। और अभी जान लीजिए कैरोटीन जो है लाल पीले जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए के रूप में कैरोटीन होता है, तो ये आप जानते रहिएगा। विटामिन सी मैंने आपको बताया, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और सेलुलोज क्या होते हैं, जो हमारे कह सकते हैं जो रेशेदार जो फल कह सकते हैं जो सब्जियां होती हैं, जैसे हमारे आलू हुए, शकरकंद हुए, इनमें सेलुलोज के रूप में वो चीजें पाई जाती है। अब हमारा आता है वसा एवं तेल। वसा एवं तेल में हमारा वसा जैसे घी हुआ, मूंगफली का तेल हुआ, सोयाबीन का तेल हुआ, सूरजमुखी का तेल हुआ, इस कैटेगरी में आते हैं। इनसे हमें एसेंशियल अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है, यानी आवश्यक वसीय अम्ल की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर में सुरक्षा का काम और मरम्मत का काम में भी हेल्प करते हैं और हमारे कोमल अंगों की भी रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ ये एनर्जी देने का काम करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें वसा और घी से प्राप्त होती है। अब आता है भोज समूह। मैंने भी आपको बताया कि भोज समूह 11 की भी कैटेगरी होती है, जिसमें मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी आपको मतलब कि इसमें इस तरह नहीं पूछते कि इसमें कौन सी कितनी है, मैंने भी आपको बता दिया है। अंडा, मांस, मछली की 3 कैटेगरी कर दिए, गुड़ और शक्कर की 1 कैटेगरी कर दिए, सब्जियों में 3 कैटेगरी कर दिया है, सूखी सब्जी, जड़ वाली सब्जी, हरी सब्जी, इस तरह से जो है इसमें कैटेगरी चेंज कर दिए हैं। और तो ये हमारे हो गए भोज्य समूह। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और ये जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप इसको अलग अलग लिखिएगा कि हमारे भोजन के क्या कार्य हैं, सर जैसे मैंने आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बताया, मनोवैज्ञानिक, इनकी आप थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन जरूर लिखा करिए। ये नहीं कि बस इसको ऐसे ही आपने उतार लिया, नहीं, आप इसमें दो दो लाइन यदि अपने मन से आपने ऐड कर देंगे तो आप जब कभी उठाएंगे तो आपको टॉपिक समझ में जरूर आएगा। तो प्लीज आप इसको इस तरह करिएगा। और इसके साथ साथ इसमें आपको पोषक तत्व बता दिया, इनके क्या स्रोत है, देखिए मैंने एक ही में कितने तत्व को मैंने कवर किया है, कार्य, समूह और स्रोत। तो ये अब आप जो है और भी आपको डिटेल पढ़ना हो तो आप बुक उठाइए और इसकी डिटेल में आप जाइए कि आपको मेन थीम समझ में आ गया है।
अब इसमें कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन से फल, क्या किस में आते हैं, क्या कौन से क्या देते हैं, ये और भी डिटेल आप पढ़ लीजिए, ये जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप इसके साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी करिए। तो ये हमारी वीडियो, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।